सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आपके राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 30 मई रविवार आपके राशि फल के बारे में। यह समय जिनका भी बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सूर्य देव की कृपा से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे आपकी लव, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए हैं, आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज 30 मई 2021 दिन रविवार का रहेगा और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 2:12 तक चलेगा और इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की षष्ठी नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बन रही है, जो कि यह ठीक शाम के 4:41 तक चलेगा और इसके आगे श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। योग की बात करें तो शुक्ल नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक सुबह के 8:30 तक चलेगा और इसके उपरांत ब्रह्म नामक योग प्रारंभ हो जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय होगा ठीक सुबह के 5:45 पर और सूर्यास्त होगा ठीक शाम के 7:03 पर और चंद्र उदय का समय रात्रि के 11:21 पर और चंद्रास्त का समय ठीक सुबह के 10:25 पर होगा। सूर्य राशि रहेगा वृषभ राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगा, अर्थात आज का शुभ समय यह सुबह के 11:57 से लेकर ठीक दोपहर 12:51 तक चलेगा। अब बात करते हैं आज का अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो यह शाम के 5:24 से लेकर ठीक शाम के 7:04 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी तरह के महत्वपूर्ण और शुभ कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें, आपके कार्य में विघ्न बाधाएं आ सकता है। आचार्य चाणक्य नीति ज्ञान, ये रहा आज आपके लिए। आचार्य चाणक्य कहती हैं, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। चलिए जानते हैं अब आपके दैनिक राशिफल। जी हाँ, हम आपके दैनिक राशिफल की बात करने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि जातकों को आज हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले बता दें, आज आपका लक्की नंबर यानी कि भाग्यशाली अंक जो है वह आज आपके लिए 7 रहेगा। जी हाँ, 7। और ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है। सितारे आज आपके कह रहे हैं, आज का दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि आप जिंदगी को पूरी तरह जिएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करें, अच्छा खासा फायदा हासिल कर सकती हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे, अपने दोस्तों को अपने उदार स्वभाव का गलत फायदा न उठाने दें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सच्चे और पवित्र प्रेम का अनुभव करें।
जब आपको लगता है कि आपके पास घर वालों या अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं है तो आपका मन खराब हो सकता है। आज आपकी मन और स्थिति ऐसी ही रह सकती है। आज आपके विवाहित जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक हो सकता है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे यह समय किसी पेड़ की छांव में बैठकर आज आपको सुकून मिलेगा। जीवन को आज आप नज़दीक से जान पाएंगी। हम आपको बताना चाहेंगे अधिक चिंतित न हो, ज़्यादा चिंता करने से आपकी सेहत भी खराब हो सकता है, इसलिए अधिक चिंता न करें और चिंता मुक्त रहें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आज आपके लिए उपाय की बात करें तो आपके लिए आज का उपाय यह है कि माँ सरस्वती की मूर्ति के आगे नीला फूल चढ़ाकर आराधना करने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। अगर आप इन सभी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। भगवान सूर्य महाराज की सीधा आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः जरूर लिख दें, ताकि भगवान सूर्य महाराज की कृपा आप पर बनी रहे और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।